हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं फिश की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो इसे हम डबल कोटिंग करके फ्राई करेंगी। तो हमने फिश का नाम देना है डबल कोटिंग फ्राई फिश। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही जायकेदार होती है, बनाना आसान है और खाने में टेस्टी होता है। अगर घर पे कोई मेहमान आ जाए और अलग कुछ करके देना हो तो इस तरीके का आप जरूर फिश ट्राई कीजिए। घर के मेंबर्स भी आपको सराहेंगे, गेस्ट तो सराहेंगे ही। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। डबल कोटी फ्राई फिश बनाने के लिए हमने यहाँ पे 500 ग्राम फिश लिया है। ये रोहू फिश है जिसे हमने काट के अच्छे से धो लिया है। तो अब हम सबसे पहले फिश पे डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद के अनुसार हम नमक डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे दो चम्मच कॉर्नफ्लोर। आप चाहें तो यहाँ पे चावल का आटा और मैदा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लोर से भी ये फिश अच्छे से फ्राई होती है। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच लहसुन का पेस्ट। फिश में लहसुन का मेन इंग्रेडिएंट माना जाता है। अब हम इसमें डालेंगे आधे नींबू का रस। रस का बीज हमने निकाल दिया है और इसके रस को इसमें निचोड़ लिया। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मछली के ऊपर पहला कोटिंग तैयार कर रहे हैं। जैसा कि हमने बताया, आज हम डबल कोटिंग फ्राई फिश बनाएंगे, तो इससे हम अच्छे से ऐसे कोटिंग कर लेंगे। अगर आपको कॉर्नफ्लोर कम लगता है तो एक चम्मच और बढ़ा दीजिए, लेकिन हमें इसे डबल कोटिंग करना है तो हम इसे हल्का ही कोटिंग करके फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं हर एक फिश पे हम ऐसे मसाले, लहसुन और कॉर्नफ्लोर का कोटिंग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमने हर एक फिश पे अच्छे से कोटिंग कर लिया है। तो ये हमारा पहला कोटिंग हुआ। इस कोटिंग को हम 10 से 20 मिनट तक छोड़ देंगे, जैसे कि अच्छे से ये मसाला अब्सॉर्ब कर ले, यानी कि हम मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, अब चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो सरसों के तेल की बनी हुई फिश बहुत ही टेस्टी होती है। तेल गर्म करने का टिप्स है कि जब तक तेल से धुआं ना निकले तब तक आप गर्म कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो कड़वा फ्लेवर होता है वो निकल जाता है। फिर उसमें फिश फ्राई कीजिए तो फिश का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। तो आप देख सकते हैं तेल से हल्का हल्का धुआं निकल रहा है। अब हम फ्लेम को स्लो करके तेल को थोड़ा सा मीडियम गर्म करेंगे और फिर हम फिश डालेंगे। तो चलिए अब हम इसमें फिश डालते हैं। हम एक एक फिश लेंगे और धीरे धीरे तेल में छोड़ते जाएंगे। आप देख सकते हैं तो एक बार में जितना फिश आ सके हम तेल में डाल देंगे। एक साइड से हमें 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है, फिर हम इसे उलट के आपको दिखाएंगे। 2 मिनट हो चुका है, हम आपको फिश को फ्लिप करके दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं अपनी कड़ाही गर्म थी तो कैसी सुंदर फिश अपनी फ्राई हुई है, बिल्कुल जरा भी नहीं था और फिश भी दिख रहा है। तो ऐसे ही आप मीडियम गर्म तेल में फिश को डालिए और 2 मिनट तक एक साइड से फ्राई करके उसको उलट लीजिए। फिश ना टूटेगी ना कच्ची रहेगी, करारी करारी दिखने लगेगी। तो अब हम दूसरी साइड से भी 1 मिनट तक सेक के आपको दिखाते हैं। तो चलिए हम फिश को दूसरी साइड से भी आपको दिखा देते हैं। आप देख लीजिए दोनों साइड से एकदम एक जैसा फिश फ्राई हुआ है। अब हम इसे एक एक फिश को ऐसे टेढ़ा करते हुए
और एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमने फिश को निकाल लिया है, सेम प्रोसेस से दूसरा वेज भी हम फ्राई कर ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमने एक बार कोटिंग करके फिश फ्राई कर लिया है। अब चलिए हम सेकंड कोटिंग बताते हैं आपको। अब हमने एक खाली बॉल ले लिया है, उसमें हम अंडा तोड़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं हम दूसरा कोटिंग क्या चीज़ का तैयार कर रहे हैं। अंडा को हम फोड़ के बॉल में ले लेंगे। तो आधा किलो फिश दो अंडे में अच्छे से हम डुबा लें। तो दो अंडा हमने तोड़ लिया। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक, क्योंकि अंडे की जो हम कोटिंग करेंगे वो फीकी ना लगे, इसके लिए हमें थोड़ा सा नमक डालना है। आप समझ के डालिएगा। नमक और अंडे को हम अच्छे से फेंटेंगे, यानी कि एक मिनट तक फेंट लेंगे। तो कंटिन्यू चलाते हुए हमें इसे फेंटना है, अच्छे से अंडा फिट जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं अंडे को हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब चलिए हम दूसरी कोटिंग करते हैं फिश की। हमने घोल तैयार कर लिया अंडे का, तेल भी गरम कर लिया है। अब हम एक एक फिश उठाएंगे और ऐसे अंडे में हम इसे डुबा लेंगे और फिर हम इसे गरम गरम तेल में छोड़ेंगे। तो ये हमारी डबल कोटिंग वाली फिश फ्राई हो गई। आप देख सकते हैं हम हर एक फिश को पहले अंडे में डुबाएंगे और गरम गरम तेल में इसे ऐसे छोड़ते जाएंगे। एक साइड से हम इसे आधे मिनट से फ्राई करेंगे, क्योंकि तेल गरम है और अंडा बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, तो जलने ना पाए इसके लिए हम आधे मिनट फ्राई करके फिर इसे उलट लेंगे। आधा मिनट हो चुका है, अब हम फिश को उलट रहे हैं। ये फिश खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और देखने में भी ये यूनिक लगती है। अब देख सकते हैं एकदम बिल्कुल पकौड़े की जैसी अपनी फिश फ्राई तैयार हो रही है। दूसरे साइड से भी अपनी फिश फ्राई हो चुकी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया आपने फिश फ्राई हुई है। अब हम इसे चम्मच से ऐसे टेढ़ा करते हुए और प्लेट में निकाल लेंगे। एक एक फिश को हम टेढ़ा करेंगे, एक्स्ट्रा तेल देते रहेंगे, फिर हम इसे उसी प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये रही अपनी डबल कोटिंग फ्राई फिश। इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा। बनाना तो आसान है ही और देखने में सुंदर। कभी आपके घर गेस्ट आ जाए और डबल कोटिंग फ्राई की सब्र करके देखिए। देने में भी आपको अच्छा लगेगा, खाने वाले को तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। डबल कोटिंग फ्राई फिश बनकर तैयार है।
तो फ्रेंड्स आपने देख लिया इसे बनाना कितना आसान था और खाने में तो ये टेस्टी लगेगा ही। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।